जाऊंगा मैं ये घर छोड़कर, सब्जी लाने गया था उस मोड़ पर। लो फिर एक शेर। करीमा करीमा, पोस्टमैन नजर आया? पोस्टमैन? चाची दीदी, ये पोस्टमैन का आने का टाइम नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? पोस्टमैन कोई सूरज है जो 5:50 से पहले राइज नहीं होगा? पोस्टमैन कोई मून है जो सनसेट से पहले नहीं दिखेगा? पोस्टमैन कोई बरसात है जो सीजन से पहले नहीं बरसेगा? क्या बात है, जीती रहो। अच्छा बोल रही ना, मैं इसे अपने नए नॉवल के क्लाइमैक्स में यूज करूंगी। थैंक यू। देखा करीमा, ये फर्क होता है एक बड़ी लेखिका और एक छोटे शहर में। मगर ये पोस्टमैन क्यों नहीं आया? पोस्टमैन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, रजिस्ट्री लाए हैं। सगीर दीवाना का नाम कितना है? है मेरे लिए? मेरे लिए कहाँ से आ गई भाई? अरे मन्ना के मेरा भाई, तू साइन कर जल्दी कर। वाओ करीमा, 5,000 का चेक तेरे लिए? करीमा ये सब क्या है, कहाँ से आया है? हाँ, पूर्वजों में से किसी ने जायदाद का हिस्सा भेजा होगा। ओह नो चाची, ये तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी से आया है। अरे हाँ, और 4 जिंगल लिखने का ऑर्डर भी है। ओह यह करीमा, माय जिंगल राइटर, तेरी तो निकल पड़ी। लेकिन करीमा सोच समझ के लिख रहे हैं। हाँ, नहीं तो मालूम हुआ वो फ्लूट था। ओह यह, नाउ करीमा बी प्रोफेशनल, बिकम प्रोफेशनल एंड प्लीज बिहेव प्रोफेशनल। लो करीमा से तो अब काम हो चुका। इसलिए तो कहता हूँ बड़ी नानी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। करीमा, अरे वाह, जिंगल लिखा जा रहा है। हाँ, इतना काम आ गया है, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं। हाँ, अब पता चला हमारे काम के टाइम कैसे काम छोड़ छोड़ के सर खुजाता रहता है। चाची, करीमा क्या सचमुच जिंगल राइटर बन गया है? एक लिख गया फ्लूक से, और वो दो जो आज लिख के भेजे हैं वो अप्रूव कहाँ हुए हैं? चाची, आर यू फीलिंग जेलस? हाँ, मुझे कोई और मिला नहीं ना। तो दीदी, तुझे जाना था ना, जाना, बाय बाय। लोनली लोनली मन। अरे टिंगल मास्टर? नहीं, जिंगल मास्टर। गुड गुड गुड, वेरी गुड करीमा, तूने तो हमारी नाक एकदम ऊंची कर दी है। कटवाएगा कब? क्या मतलब समझू तुम्हारा? जो कुछ करीमा ने आज तक अपनी मेहनत से लिखा है वो सब क्या फ्लूक में लिखा है क्या? और नहीं तो क्या, फ्लूक ही तो था। करीमा, तुम लॉटरी लग गई। ओ यह, यहाँ से करीमा स्ट्रेट अपने फ्लैट में जाएगा और अपने फ्लैट का झाड़ू करता खुद करेगा। ओ यस। बाय द वे करीमा, ये किस चीज की टिंगल लिखी जा रही है? मेरा मतलब जिंगल लिखी जा रही है। जैसे चमके चांद सितारे वैसे चमके दांत तुम्हारे, चमक दंत मंजन। वाह वाह, हो गई छुट्टी, सबके दांतों की हो गई छुट्टी। ऑल द बेस्ट करीमा। करीमा जरा ये प्लेट। जी सर। ओह तू लिख रहा है? नहीं लिख रहा है। मैंने सब। अरे नहीं, मैं रख देता हूँ, मैं रख। लाइए भैया, मैं रख देता हूँ। नहीं मैं रख देता हूँ, मुझे मैं रख देता हूँ। करीमा करीमा, तू होश में तो है ना? मेरे दमाजी प्लेट लेके किचन में जा रहे हैं और तू खड़ा है। ओहो, अगर वो नावल लिख रहा है तो उसे लिखने दीजिए। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? चाची, अगर उसकी नावल छप जाएगी तो तुम्हारी पॉपुलैरिटी कम तो नहीं हो जाएगी? हाँ भैया, करीमा बड़े बड़े नावल्स थोड़ी लिख सकता, वो तो छोटे छोटे जिंगल्स लिखता है। जिंगल क्यों? दमाजी, उसको एड एजेंसी से काम मिला है, वो रेडियो और टीवी के लिए जिंगल लिख रहा है। ओहो, वही तो मैं कह रहा हूँ, उससे काम मिला तो उसे काम करने दीजिए ना। अगर एक दो दिन हम लोग काम कर लेंगे तो उसे बुरा क्या है? उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए। बेटा तू लिख लिख लिख। हाँ। ले लो। नहीं 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 जी, नॉट पॉसिबल। अरे इम्पॉसिबल, सगीर साहब को आप 2 महीने से पहले मिल नहीं सकते। जी जी, मैं उनका सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, डिंगू जी, समझा कीजिए, वो बहुत बिजी आदमी है, नहीं मिल सकते उनसे। जी जी जी, क्या कहा आपने? आप किसी भी कीमत पर जिंगल लिखवाने के लिए भी आ रहे? एक मिनट, डोंट डिस्टर्ब। नहीं नहीं, आपको नहीं कर रहा हूँ। क्या बात है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे बात करूंगा, आप मंडे में आ जाइए। हाँ जी हाँ, थैंक यू करने की क्या जरूरत है, आप हमारी सेवा कीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे, है ना? ओके ओके बाय। हाँ क्या है डिंगू, रास्ता क्यों रोक रहे हो? डू नॉट डिस्टर्ब, करीमा अंदर जिंगल लिख रहा है, तू तो पहरा दे रहा है। बाद में डिंगू, तू तो मस्का क्यों लगा रहा है? करीमा तुझे कमीशन दे रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, अंकल ने कहा था ना करीमा की हेल्प करनी चाहिए। वेरी गुड, एक तो करीमा खुद कुछ काम नहीं कर रहा, ऊपर से हम किचन में भी नहीं जा सकते। क्या हो रहा है?
इम्पोर्टेंस। साहब ठीक ही कहते हैं, अगर कोई आदमी इस घर में इत्मीनान से काम करना चाहता हो तो वो भी नहीं कर सकता। देखो ना, डिस्टर्ब कर दी ना सगीर साहब को। आप आइए ना, बैठिए प्लीज, अब थक गए ना। सगीर साहब, वो एक क्लाइंट का फोन आया था, वो दमक दंत मंजन वालों का। वो कह रहे थे वो आप ही से जिंगल लिखवाना चाहते हैं। अब सिर्फ दंत मंजन की इतनी सारी जिंगल मैं कैसे लिख सकता हूँ, वैसे भी दिमाग की घंटी बज नहीं रही है। नानी करा करीमा, उन्हें दुनिया समझेगी, वो तो फ्लूक था। वैसे फ्लूक का मतलब होता क्या है? फ्लूक का मतलब होता है टैलेंटेड ग्रेट आदमी। अच्छा, वैसे मैंने उन्हें मंडे का अपॉइंटमेंट दे दिया है, अब बुलाया तो मिल लेता हूँ। वैसे करीमा, उन्हें मॉडल की जरूरत पड़ेगी ना। हाँ तो मेरा नाम दोनों करीमा। करीमा करीमा, वो करीमा की कौन सुनेगा? नहीं सगीर साहब, आप तो पहले इतने एस्टैब्लिश हो, उस बच्चे को अजी थोड़ा सा एस्टैब्लिश कर दीजिए ना, मुझे प्लीज मॉडल बना दीजिए ना। देखिए मेरे पास फोटोग्राफ भी, कितना हैंडसम, कितना स्मार्ट। ठीक है, मैं कह तो दूंगा, मगर उन्हें तुम्हारी फोटो पसंद भी तो आनी चाहिए ना। जूता पॉलिश करेगा, हम शायरी नहीं करेगा, कभी नहीं। अरे सगीर साहब, ये आप क्या कर रहे? अरे मर गया सगीर साहब, अब करीमा ही बुलाओ, मुझसे नहीं लिखा जा रहा है। कैसे कैसी बातें कर रहा तू करीमा? क्या हुआ? देखो ना, इतने सारे एडवांस पे चेक ले लिए, जबान भी दे दी, अब कहता है काम नहीं करेगा। चाची ठीक ही कहती है, इसने फ्लूक से लिख दिया होगा। पर वो दमक दंत मंजन वाले तो आने वाले हैं। मैं तो चाय पिला दूंगा ना। नहीं, तुम्हें लिखना पड़ेगा। क्या हुआ? देखो ना।